हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पदारबीन और मैं आपको आज लेसन 5 के बारे में वेरी स्पेसिफिकली इन ए शॉर्ट नोट आई विल एक्सप्लेन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये जो लेसन 5 है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ वोकैबुलरी इन इंग्लिश, इंग्लिश का वोकैबुलरी क्या है और क्या होता है वोकैबुलरी, ये सिर्फ वर्ड पावर है या सारा वर्ड्स को सीख लेना वोकैबुलरी है क्या है, तो इसके ऊपर मैं आपको आज लेसन 5 में मैं सर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आगे जाके जो लेसन है मेरा, सो दैट टॉपिक्स एंड दैट लेसन कैन डेफिनेटली हेल्प यू। सो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं इन ए सीक्वेंस, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन और आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा अबाउट इंग्लिश। तो इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा वोकैबुलरी के ऊपर। वोकैबुलरी इज़ ऑल अबाउट योर वर्ड्स जो डिक्शनरी में होते हैं एंड वी शुड नो हाउ टू यूज़ वर्ड्स इफेक्टिवली। लेकिन ज़्यादातर हमें ये समझ में आना चाहिए द बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में एक बॉडी ऑफ वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे उसको हम लोग इफेक्टिवली ग्रामेटिकली एज पर द सजेस्टेड फॉर्म में यूज़ करेंगे, वो स्टडी होता है वोकैबुलरी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कोई भी वोकैबुलरी इंग्लिश का सीखने से पहले वी हैव टू गेट थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्लासिफाइड वर्ड्स हैं जहाँ की आपको मिलेगा नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें आपको ग्रामेटिकल वर्ड्स और एक कंटेन वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं। कंटेन वर्ड्स में जैसे कि आपका आ जाएगा नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब, एडवर्ब और इंटरजेक्शन, इसमें आपको एक कंटेन वर्ड्स का यूसेज मिलेंगे जो कि हम डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन के वक्त वर्ड को यूज़ करते हैं। एंड टू स्टडी ग्रामर हमें ज़्यादातर ध्यान में देना होगा ग्रामेटिकल वर्ड्स जो होता है प्रोनाउन, आर्टिकल, ऑक्सिलरी वर्ब, सम पार्ट ऑफ एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं। सो ग्रामेटिकल वर्ड्स एक अलग फॉर्म होता है एंड कंटेन वर्ड्स एक अलग फॉर्म होता है। सो डिक्शनरी में आप यदि देखेंगे कोई भी वर्ड, सो ऑलरेडी इट्स बीन क्लासिफाइड विद अ ग्रामेटिकल फॉर्म एंड कंटेंट फॉर्म, लेकिन डिक्शनरी में ज़्यादातर कंटेंट वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, मोर नाउन्स, मोर एडजेक्टिव, मोर वर्ब्स, मोर एडवर्ब्स, आपको ये ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये सबको लेके हम लोग लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में डालते हैं एंड वी इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन, वी टेक द हेल्प ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स एंड वी एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज एंड ऑल्सो वी क्रिएट फीलिंग्स हीयर। तो इसमें हमें आगे जाके मैं आपको बताऊँगा वोकेबलरी का ये पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड आई वॉन्ट यू टू नो मोर अबाउट इट, जो कि आपको ये समझ में होना चाहिए। यू कैन लर्न लेवल ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, येस इंग्लिश में हर एक वर्ड्स का लेवल है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हाउ वी कैन यूज़ इंग्लिश इफेक्टिवली। जैसा कि एक जगह पे ये देखा गया है कि पर्टिकुलर ये प्लेस में भाषा इस तरह से कहा जा रहा है और एक प्लेस में भाषा ऐसा कहा जा रहा है और एक सिटी में ऐसे हो रहे हैं और हाईली मेट्रोपॉलियन सिटी में ऐसे हो रहे हैं, तो लोगों का बिहेवियर जो चेंजेस होते हैं उनका राइटिंग और स्पीकिंग में भी बहुत बदलाव आते हैं एंड दैट्स व्हाई इंग्लिश डिक्शनरी में ऑलरेडी एक लेवल ऑफ वर्ड्स को क्लासिफाइड करके सिस्टमेटिकली समझा गया है। हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू effectively in your communication. So आपको ये याद में रखना होगा when you know level of vocabulary you can use effectively in communication. Yes, आपका writing, आपका communication process इतना अच्छे से हो जाएगा, you can understand and choose the appropriate word and sense so that you can really have effective communication. So इसके ऊपर हम दो details अच्छे से थोड़ा सीखेंगे which is really going to help us and we can create very good impression. तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ वर्ड्स। पहला चीज़ याद रखिए, मोस्ट ऑफ प्लेसेस इन इंग्लिश हमें एक फॉर्मल वर्ड्स मिलेंगे, ज़्यादातर आपका राइटिंग में मिलेंगे, मीडिया में मिलेंगे, ज़्यादातर अच्छे अच्छे बुक्स में प्रिंटेड मिलेंगे फॉर्मल वर्ड्स जो कि ऑफिशियली हम लोग यूज़ करते हैं और एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड सर्कल्स, कुछ वर्ड्स हैं स्टैंडर्ड वर्सन्स हैं, कुछ वर्ड नॉन स्टैंडर्ड हैं, कुछ वर्ड्स आयरनी हैं। देखिए स्टैंडर्ड जो है पर्टिकुलराइज, इसको रिटन में कन्वर्ट किया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है। नॉन स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही कहा जाता है, उसको ज़्यादातर रिटन में नहीं लाते हैं। आयरनी जो है
कुछ एक एक वर्ड ऐसे हैं कि उसमें डबल मीनिंग आएंगे, डबल डबल मीनिंग आएंगे, अंदर एक मीनिंग होगा, फाइन, अंदर एक डिफरेंट मीनिंग होगा। ह्यूमरस कुछ वर्ड हैं जो कि आपको ह्यूमर बनाएंगे, सो जैसा कि आपको हंसेंगे और यू इट विल गिव यू ए फनी मैसेज एंड यू कैन रियली फील कम्फर्टेबल एंड यू कैन इट विल मेक यू हैप्पी। कुछ वर्ड्स हैं स्लैंग हैं जो कि आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर ग्रुप में ही यूज़ कर पाएंगे। कुछ वर्ड हैं अप्रूविंग है कुछ जगह पे, कुछ वर्ड्स डिसअप्रूविंग है, कहीं पे हम लोग जहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए कहीं पे ब्लैक, किसी को हम ब्लैक बोलते हैं तो वो डिसअप्रूविंग हो जाते हैं, बट कहीं पे डार्क होता है तो अप्रूविंग होता है। सो वी शुड नो हाउ टू यूज़ द लेवल ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ना फिगरेटिव यूज़ होते हैं, जैसे कि उसका डिक्शनरी मीनिंग एक अलग है और उसका यूसेज हम लोग अलग जगह पे डिफरेंट मीनिंग में डालते हैं, सो उसको एक सेंस के वे में अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। यस, ये ऐसा हो जाए, जैसे कि स्टोन हार्टेड, सो स्टोन अलग है, हार्ट अलग है, बट स्टोन हार्टेड मिलके एक फिगरेटिव सेंस है कि स्टोन हार्टेड का मीनिंग अलग फॉर्म है जिसमें इमोशन नहीं है। सो ये है फिगरेटिव यूज। जार्गन जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, कंप्यूटर्स में हो गया, साइंस में हो गया, कॉमर्स में हो गया, वो होते हैं जार्गन। टैबू जो है वो टिपिकल स्लैंग है जो कि ज़्यादातर हम लोग अप्रूव नहीं करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं लॉ हैं, लिटरेरी वर्ड्स हैं जो कि लिटरेचर में यूज़ होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं ओनली फॉर द रिटन कम्युनिकेशन, कुछ वर्ड्स हैं स्पोकन। तो याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड्स का लेवल है इस तरह से बनाया गया है, एंड ये स्टडी आपको क्या हेल्प करेंगे जो आगे जाके जो आप वोकैबुलरी इंप्रूव करने वाले हैं। सो यू शुड चूज एंड अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ वर्ड्स कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स ये प्लेस में कितने यूज़ होते हैं, किस फॉर्म में यूज़ होते हैं। सो ये बेसिक मैच्योरेशन है एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन सच ए वे यू कैन रियली हैव अ गुड पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। ये दोनों चीज़ को इट इज़ गोइंग टू गिव यू ए पावरफुल वेपन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह ये काम करेगा। सो बिफोर वी लर्न वोकैबुलरी सिस्टमैटिकली एंड इम्प्रूव द कंटेंट वर्ड्स बेस्ड ऑन नाउन एडजेक्टिव वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, इसके ऊपर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट मी टेल यू द मैसेज इज इंग्लिश डिक्शनरी हैज क्लियरली मैंशनड लेवल ऑफ वर्ड्स एंड इट्स यूसेज ऑल्सो सजेस्टेड। इंग्लिश डिक्शनरी में ये लेवल ऑफ वर्ड्स क्लियरली मैंशन किया गया है और इसका यूसेज भी ऑलरेडी गिवन। सो नाउ You need to understand, understanding on vocabulary is very important. Yes, आप practically यदि कोई word को सीखते हैं और practical learning skill में convert करते हैं words को day to day life में, तो ये बहुत आपको काम में आएगा। तो इसके ऊपर I would like to tell you the best formula, that is 3V formula. ये क्या formula है? यदि आप ये formula use करते हैं, I can bet you can really memorize words और सारा word को आप सीख पाएंगे अच्छे से and you can really implement in your communication, maybe your verbal or written communication. तो क्या है 3 V's formula? पहला V जो है ये है visual. कोई भी word आ रहे हैं तो आपको उसमें visual impact डालिए. So think up about the words, create image, create thoughts, create scenario, create a situation and try to remember the words. एक word आप ले लिए, उसको आप visualize कीजिए, fine? Verbalize कीजिए, बार बार वो word को बोलने के लिए आप उसको टाइम दीजिए। टेल अबाउट द वर्ड्स, एक वर्ड सीख लिए और बार बार उसको बोलते जाइए, दैट इज कॉल्ड वर्बलाइज। देन वाइटलाइज, गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्ड्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट इट। सो व्हेन यू फॉलो 3 V फॉर्मूला, विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज, ये आपका मेमोरी में फिट हो जाएगा एंड बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस वर्ड एवर। यस, तो इसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा हाउ टू इम्प्रूव vocabulary, वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। पहला पॉइंट है लुकअप डिक्शनरी, डिक्शनरी में वर्ड को देखिए, फाइंड द मीनिंग, मीनिंग कैच कर लीजिए, नोट इट एंड visualize a scene by words, एक वर्ड्स में एक सीन क्रिएट कीजिए एंड नोट इट, उसको नोट कीजिए एंड विजुअलाइज एंड राइट अ स्टोरी और फनी एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जैसे कि आप पूरा याद रख पाएंगे और कोई स्टोरी उसको बना दीजिए, स्टोरी में उसको ऐड कर दीजिए। रिकॉल 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट, 3 से 4 बार डे में आप उसको याद कीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेमोराइज। दूसरा चीज़ है डिटरमाइन टू यूज इन योर स्पीकिंग, आप ये तय कर लीजिए कि आप जब भी बात करेंगे वेदर यू विल यूज हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेजेस, सो वो इंग्लिश वर्ड आपका स्पीकिंग में होना चाहिए। रिव्यू इट अगेन,
थोड़ा सा और एक बार रिव्यू कीजिए, देन राइट अ शॉर्ट नोट बाय यूजिंग वर्ड्स, इसी वर्ड को लेके एक शॉर्ट नोट बनाइए। डिस्कस वर्ड्स, दूसरों के साथ ये वर्ड को डिस्कस कीजिए, फाइन। एंड रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू फॉलो दिस टेक्निक्स, दिस सक्सेसफुल टेक्निक्स व्हाट आई हैव शेयर्ड विथ ऑल एंड द वे आई एम फॉलोइंग इट, आई एम ऑल्सो एबल टू रिमेंबर मेनी वर्ड्स। मैं रोज न्यू वर्ड्स सीख रहा हूँ, रोज आई कम अक्रॉस द डिफरेंट वर्ड्स एंड आई गो बाई दिस प्रोसेस एंड रियली आई इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो विद दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑफ लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब इफेक्टिवली विथ योर इंटरेस्ट, प्लीज डू इट। And this is a WhatsApp number. We are available for the online session also. You can contact us and we'll definitely give you the best session. And I want all of you to have a good time. Good luck.